तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओपू चल जल्दी से बाल्टी में पानी भरकर लेकर आते। रुको रुको, ये सब करने की जरूरत नहीं है। याद है दमन में मैनेजर ने बागा को एक गोली दी थी जिससे बागा का नशा तुरंत उतर गया था। वो गोली का नाम मैंने मैनेजर से ले लिया था और मेरे पास स्टॉक में है। चले चले जेठा भाई को मेरे घर ले चलिए। अरे क्या चलिए चलिए, ए हत्रिया तू अकेले जा और गोली लेकर आ जा। मैं ठीक है जेठा भाई, इसे खा लीजिए। क्या है वो? पानी पीजिए। मैं लोगों को नशा मुक्त करवा रहा हूँ और इधर मेरा ही बेटा नशे में धुत है। अरे हसीड़ा क्या हुआ, जेठिया का नशा उतरा कि नहीं? हाँ, हाँ, चाचा जी जेठा भाई को दवाई खिला दी है। तो कहाँ है जेठिया, है का? आ रहे। जेठिया चल अब बोल, तूने पार्टी शादी क्यों की? खड़ा क्या है? बोल तूने बाल्टी शाल्टी क्यों की? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बाबूजी, क्यों करने लगे आप पार्टी शाल्टी? अब तो कितने संस्कारी कितने आदर्शवादी है बापूजी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने पार्टी शाल्टी करना शुरू कर दिया? मैं पार्टी शर्टी करने लगा हूँ, ऐसा किसने कहा तुझे? छोटी ने। अरे क्या मैं और छोड़ू नहीं तुझे? अरे भाई तू रुक जा, रुक जा। अरे तू रुक जा, तू दौड़ रहा है। अरे क्या शांत हो जाओ, क्या शांत हो जाओ। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की कि मैं पार्टी शर्टी करने लगा हूँ? बापू जी वो तो बोलेगा ही ना, क्योंकि उसने अपनी आंखों से आपको पार्टी शर्टी करते हुए देखा है। और सिर्फ उसने ही नहीं, पोपटलाल ने भी आपको देखा है पार्टी शर्टी करते हुए। ये डिब्बे तू भी? चाचा जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे कहाँ जा रहा है? वापस आ, खड़ा रहे चुपचाप। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसी अफवाह फैलाओगे। अफवाह नहीं है बापूजी, इन लोगों ने अपनी आंखों से आपको होटल में जाते हुए देखा है और होटल के अंदर पार्टी शार्टी भी करते हुए देखा है, उसका सबूत भी है इनके पास। जेठालाल दिखा, वहाँ सबूत दिखाओ बापूजी को। तुम्हारे फोन में ही रिकॉर्ड किया है ना सब, दिखाओ बापूजी को।
अरे मेरी बात सुनो पहले। अरे कुछ नहीं सुनना है, तू पहले सबूत दिखा। देखा बापू जी, दिख रहा है ना इसमें साफ साफ कि आप पार्टी शार्टी कर रहे हैं। अब आपको क्या कहना है? आपको क्या लगा आप कपड़े बदल के जाएंगे तो कोई आपको पहचान नहीं पाएगा? अरे जीतिया, मैं पार्टी शार्टी नहीं कर रहा हूं। बापू जी, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि आप पार्टी शार्टी कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे मैं पार्टी सर्टी नहीं कर रहा हूँ। अरे जेठिया, तू जिसे पार्टी शार्टी समझ रहा है ना भाई, वो पार्टी शार्टी नहीं है, फ्रूट सोडा है। वो क्या है देख, ये जो मेरा दोस्त है ना हेमराज, वो बहुत सालों पहले एक नशा मुक्ति केंद्र के लिए काम करता था। वहाँ पे लोगों को नशे की लत छुड़ाने में उनकी मदद करता था। तो अभी कुछ ही दिनों पहले वो फिर से उनके साथ जुड़ा है। तो मैं और सुरेश तो होटल में जाके सिर्फ उसकी मदद करते थे। क्या? जेठा बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज नशा करते हैं और फिर घर जाके अपनी बीवी से मारपीट भी करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, शरीर और पैसे दोनों का घाटा होता है उनका। और इतना नुकसान होने के बावजूद भी ऐसे लोग समझते नहीं है, पार्टी शार्टी करना छोड़ते नहीं है। तो ऐसे कुछ लोगों की पत्नियां नशा मुक्ति केंद्र में आती है और अपने पति की पार्टी शार्टी की लत छुड़ाने के लिए विनती करती है। फिर ये हेमराज उन महिलाओं से अपने पतियों के बारे में सब जानकारी लेता है, जैसे कि उनका नाम, उनकी पहचान, वो लोग रोज कितने बजे पार्टी शार्टी करने जाते हैं, कौन सी होटल में जाते हैं, बस। और उसके बाद मैं, हेमराज और सुरेश उसी होटल में जाते हैं। लेकिन चाचा जी, ये जरूरी तो नहीं ना कि वो पीने वाला इंसान रोज एक ही जगह जाए। बेटा, जो रोज पीता है ना, वो अक्सर एक ही जगह जाता है। लेकिन चाचा जी, आप वहां जाके करते क्या थे? अरे करते क्या थे मतलब, जाके उन्हें समझाते थे, लेकिन सीधे तरीके से नहीं है, कुछ अलग तरीके से समझाते थे। क्योंकि अगर ये रोज रोज पार्टी शार्टी करने वाले लोगों को आप सीधा जाके समझाओ ना, तो समझना तो दूर, वो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली क्या करते थे आप? हाँ, क्या है, हमें जिसे सुधारना है ना, तो मैं, हेमराज और सुरेश सबसे पहले जाके उसके ही टेबल पे बैठते हैं। फिर हम लोग ऐसी एक्टिंग करते थे जैसे हम लोग ने भी पार्टी शार्टी की हो, है बराबर ना? और फिर हमारा असली नाटक शुरू करते थे। हाँ बिल्कुल, क्या मस्त नाटक करते थे। और चंपक, तू तो बिना पार्टी शार्टी किए भी शराबी की एक्टिंग कितनी मस्त करता है। एक नंबर का एक्टर है हमारा चंपक। क्या हुआ, इतना दुखी क्यों है? क्या बताऊं, जान दे, बहुत परेशान हूँ। अरे लेकिन क्या हुआ है, कुछ बता तो सही। पिछले हफ्ते बहुत बीमार हो गया था मैं।
डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, सब टेस्ट कराए। तो फिर क्या निकला टेस्ट में? लीवर। हाँ? मेरा गया, लीवर गया। ये रोज रोज ये पीने की आदत की वजह से मेरा लीवर खराब हो गया, इलाज कराना पड़ेगा। अरे फिर करवा ले इलाज। अरे कहाँ से कराऊँ, बहुत पैसे लगेंगे, इतने पैसे थोड़ी है मेरे पास। तू देखना, ये रोज रोज पीने की वजह से एक दिन मेरा बुरा हाल होने वाला। अरे रोज रोज पीने की आदत से मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही होगा, है ना? क्या बताऊँ तुझे, बेटे के कॉलेज के फीस तक नहीं भर पाया मैं, और यहाँ तक कि अपने बीवी के जेवर भी मैंने गिरवी रख दिए। ऐसे रोज रोज पीने की वजह से मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तुझे एक बात बोल, किसी को बोलना मत, तू मेरा दोस्त है ना, ये नशे की हालत में मैं बीवी को मारता हूँ, बेटे को भला बुरा बोलता हूँ, ऊपर से ये लीवर गया, सत्यानाश हो गए। ये पीने की लत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। डॉक्टर ने क्या बोला पता है? आज के आज शराब छोड़ दो, ये तो मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा भी यही रोना है, लेकिन कितना भी कर लो ये पीने की आदत छूटती ही नहीं। अरे वही तो, ये पीने की लत छूटती नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हेमराज, अरे सुरेश, अरे अरे कहाँ था इतने दिनों तक, दिखाई नहीं तू। अरे आजा, बैठ 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 बैठ, मेरा दोस्त है, दोस्त मैं एक ग्लास मंगवा, और इसके लिए भी एक पैक बना है। एक मस्त कड़क पैक बनाता हूँ मैं। अरे वेटर, एक ग्लास लेके आना। एक फ्रूट सोडा लेकर आओ। क्यों फ्रूट सोडा? अरे मैंने पीनी छोड़ दी है यार। लेकिन क्यों? पीने की लत की वजह से पैसे की तंगी, उधारी पे उधारी, और बीमारियां, और घर में अशांति, बस इसीलिए छोड़ दी मैंने, और अब मैं बहुत खुश हूं। अगर तूने पीनी छोड़ दी है तो फिर यहाँ कैसे? अरे बार में कुछ उधारी बाकी थी मेरी, बस वही चुकाने आया था, निकल रहा था कि तुम दोनों पे नजर पड़ गई बस। अरे वाह, तो तूने छोड़ दी ना, उसी बात पे चलो, चीयर्स। चीयर्स। अच्छा सुरेश, ये बात बता कि तूने पीने की लत छोड़ी कैसे? हाँ, एक तरीका है जिससे हमारी पीने की लत छूट सकती है। कौन सा? नशा मुक्ति केंद्र। नशा मुक्ति केंद्र?
हाँ, मेरे एक दोस्त का दोस्त था, उसे भी पीने की लत लगी हुई थी, उसकी जिंदगी बर्बाद होती जा रही थी। फिर? अरे फिर क्या, वो नशा मुक्ति केंद्र गया और वहां उसके पीने की आदत हमेशा के लिए छूट गई। और नहीं तो क्या। अरे वाह, अगर तुम दोनों कहो तो तुम दोनों को वहां ले जा सकता हूँ, तुम्हारी दोनों की पीने की आदत छूट जाएगी। बोलो चलोगे ना नशा मुक्ति केंद्र? हाँ जरूर चलेंगे। क्यों हेमराज? हाँ बिल्कुल चलेंगे, मुझे ये शराब की लत छोड़नी ही छोड़नी है। मुझे भी। अब मैं अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे भी उस नशा मुक्ति केंद्र का पता दे दीजिए, मैं भी इस नशे की लत से तंग आ गया हूं। आप लोगों की तरह मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो रही, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे भी ये लत छोड़नी है। तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप रोइए मत, आप अपना नंबर मुझे दीजिए, मैं आपको कल बताऊंगा कि आपको कहाँ जाना है। हेमराज नंबर ले। चाचा जी मैंने तो खुद आपको बोतल खोलते हुए देखा था और पैक बना के पीते हुए देखा है। चाचा जी अरे भाई सोनी, तू जैसा सोच रहा है ना वैसा नहीं है। अरे क्या है अभी, हाँ ऐसे ही खाली तो बैठ नहीं सकते ना होटल में जाके, कुछ ना कुछ तो पीने के लिए मंगवाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले वहां जाके पार्टी शार्टी की असली बोतल मंगवाते थे, फिर उसके बाद मौका देख के हमारे साथ जो हम फ्रूट सोडा की बोतल लेके जाते थे ना, उसके साथ उसे बदल देते थे। जी कल रात आप सोसाइटी में आए थे तब आप लड़खड़ा के चल रहे थे, अगर आपने फ्रूट सोडा पी थी तो आप लड़खड़ा क्यों रहे थे? अरे भाई मैं लड़खड़ा नहीं रहा था, और दरअसल मेरी चप्पल टूट गई थी, इसलिए ठीक से चल नहीं पा रहा था। तेरी ले जो बराबर है चप्पल का तो बापूजी, लेकिन सॉरी एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है कि आज सवेरे मैं आपके कमरे में आया था तो जो शर्ट कल आप पहन के होटल में गए थे और शर्ट में से आज वो पार्टी शर्ट की बदबू आ रही थी, नहीं मतलब आप तो कह रहे फ्रूट सोडा हो आपने पिया तो शर्ट में से पार्टी शर्टी की बू, मतलब कैसे? दोस्तों गोकुल धाम और अंगा में सिक्के के दो पहलू की तरह, जिस तरह से आप सड़क पे चलते हैं आपको पता ही नहीं चलता कब स्पीड ब्रेकर आ जाता है, ठीक उसी तरह गोकुल धाम में ये पता नहीं चलता कि कब हंगामा आ जाए। यहाँ इस वक्त हंगामा एक हो रहा है और इसका निष्कर्ष क्या होगा ये तो मैं इस वक्त क्या बताऊं, लेकिन जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.